हाय गाइस, आज की हम लोग की सेकंड वीडियो है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, जैसा आप देखेंगे वैसा आपको दिखेगा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहला आज हम लोग इसमें देखेंगे, बेसिकली हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला हमारे एक प्लेन मिरर रहेगा, आगे आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं हमारे। सबसे पहले समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है, देख लीजिए प्लेन मिरर हो गया। अब सेकंड चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास कुछ एयर पिक्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग दर्शाने में, रिफ्लेक्शन दिखाने में करेंगे। जैसे आप पॉइंट्स लगा देंगे तो आपको वो इसमें दिखेगा। थर्ड चीज़ हमारी मेन है कंपास, जिससे हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे। ये फोर्थ चीज़ है हमारी, ये प्रोजेक्टर, ठीक है। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स हैं आपके घर में, जैसे जेल्स होते हैं ना कुछ अलग अलग तरीके के, तो ये हमारे कुछ जेल्स हैं, 1 2 3 4। हमें 4 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी दिखाने के लिए। ये ऑइंटमेंट मैंने इसलिए लिए हैं जिससे कि ऑनली आपके घर पे पिक्स नहीं है, ठीक है, पिक्स आपके पास नहीं है तो आप इससे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे फोर्थ चीज़ हमारी मेन, इसको हर प्रयोग में इसका होना जरूरी है, इसको कहते हैं स्केल। 30 सेंटीमीटर के मेरे पास लोहे की स्केल है, चाहे जो स्केल प्रयोग करिए। ये हमारा इरेजर है, कोई दिक्कत आएगी तो उस पर करेंगे। ये हमारे कुछ वीट आटा का, इसको कहते हैं आटे की हमारी कुछ गोलियाँ हैं, इसका मैं आपको प्रयोग कर बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हम आपको दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिचुएशन, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहले सिचुएशन हमारी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला सबसे पहला, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आप रेखा जब गुजारते हैं किसी प्लेन मिरर के अंदर से, तो जाने वाली रेखा, आपके द्वारा भेजी गई रेखा, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और सेकंड आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब आपने इंसिडेंस रे डाली, आपने कोई प्रकाश डाला उसके अंदर, तो निकल के जो आती है उसे आपको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे वो मुड़ेगी उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। सेकंड आप देखिए यहाँ पर इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंस जो होती है, इंसिडेंस जो हमारी रे डाली गई है हमारे द्वारा इसके अंदर, जो ये देखिए रे हमारी डाली गई है इसके अंदर मिरर के अंदर, तो उसे इंसिडेंस रे तो कहते हैं, आपको बता चुके। और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड जो हमारे गई जाने वाली जो इंसिडेंस कहलाएगी और आने वाली रिफ्लेक्टेड कहलाएगी, ठीक है। तो दोनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी, कि ये नहीं है कि इंसिडेंस आपने नीचे डाली और आपकी रिफ्लेक्टेड कहीं ऊपर आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही जिस पे गई उसी पे आएगी। और आगे बताते हैं, हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसे मैं आपको आगे बताता हूँ, कीवर्ड्स जिसे कहते हैं, प्रयोग होने वाले शब्द। आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं इंसिडेंट्स रे पहला नंबर, सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट वह पॉइंट जिस पे इंसिडेंस रे लग के मुड़ जाती है, गई वहाँ पॉइंट पे रुकी फिर वहाँ से घूम गई। थर्ड आप रखिए रिफ्लेक्टेड रे आपका कहलाता है, रिफ्लेक्टेड मतलब जो रे है आपकी, इंसिडेंस आपने डाली, इंसिडेंस जिस रे में तब्दील होकर आपके पास आती है उससे आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ आप देखिए नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल एकदम नामी से नॉर्मल है, 90 डिग्री की एकदम सीधे, कोई समस्या नहीं। अब सर आप फिफ्थ देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आपकी गई, देखिए आप मुझे देखिए यहाँ पे जो आपने रे डाली, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब मैंने डाली गई और रे, ठीक है, उसके बीच में जो रे फॉर्म होती है उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इंसिडेंट रे आपकी जो है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और आप सिक्स नंबर देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही सेम चीज़, आपने इंसिडेंट डाली, नॉर्मल के बीच और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। और सिक्स्थ पॉइंट आपका जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल रे से रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो रे आपकी निकली उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसके जो निकली रे उसके और नॉर्मल के बीच की दूरी जो एंगल आपका आएगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट है, ये सिचुएशंस लिखी हैं, आप इसको माइनस कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, हमें अब इसका कोई काम नहीं, आपको समझा दिया, आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये छोटा मिरर था लेकिन हमें दिखानी आपको बड़ी इमेज, समझाना है, वीडियो शूट हो रही है इस पर, ठीक है। तो आप देखिए ये आप मेरा मिरर देख सकते हैं, इधर से आप आ जाइए, देखिए आप नीचे आप फोकस करिए, देखिए कैमरा, ये जो आपकी रे है ये इतना बड़ा शीशा है, ठीक है। अब आप शीशे की लंबाई मेरी देख सकते हैं कितनी है, ठीक है, शीशे की आपकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है, ठीक है, 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर का हमारा ये है, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पर अब हम लोग इस चार्ट पेपर को ड्रॉ कर लेते हैं, जो जो आपको मुझे दिखाना है मैं उसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, हम मिलते हैं आपसे ड्रॉ करने के बाद, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने पूरा चार्ट में ड्रॉ कर लिया है कि जो जो हमें चीज़ें चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉर्मल आपको बताया था ना, बीच की रे जो 90 डिग्री पे होती है, ये देखिए ये रे आपकी
नॉर्मल जिसको आप कहते हैं, ये नॉर्मल आपके आया, यहाँ पे आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं, इन उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, ठीक है। और सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे, जिसकी बात की थी, जो रे हम लोग गुजारते हैं ना, देखिए ये आई यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इंसिडेंट रे है। आप इधर से आकर देख सकते हैं यहाँ पर, इसको उलट के कैमरा देख लीजिए, जिससे कि आपको लगे सही लिखा है। हाँ ये देखिए, अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि हम लोग कितना एंगल लें, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बताया था ना आपको, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या एंगल लें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया था, प्रोजेक्टर मैंने आपको ऑब्जेक्ट की बात में शुरुआत में बता दिया था कि हमें यहाँ पर लेना था एक ऑब्जेक्ट, इसका कहते हैं सॉरी प्रोजेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे ही नहीं ले लिया था, ठीक है, जो हमारे, अब देखिए नॉर्मल मैंने छोटा मिरर आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम लोग बड़ा बार मिरर बार बार एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये देखिए आप हमारा, आपने इसको मिरर रखा, ठीक है, हम लोग उस पर सटा देते हैं इसको, ये हमारा प्रोजेक्टर। तो हमने इसको वहाँ अंदर पे रखा, ठीक है, नोक पे उस पे रखा, और यहाँ से हमने 30 डिग्री लेते हुए एक रे गुजारते, ठीक है। अब यहाँ पर आप 30 देख सकते हैं, अब मैं अंदर तो नहीं ले सकता, ठीक है, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ 30, आप देख सकते हैं, एक सेकंड कुछ सीधा करके दिखाता हूँ मैं पेन के द्वारा, हाथ पे नहीं दिखेगा आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए 30 डिग्री आपका यहाँ पे लिखा है ना। तो ये एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री ही है, एकदम करेक्ट 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेना चाहेंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट थे, हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ट्यूब्स लेंगे, ठीक है। इस ट्यूब्स को हम लोग ऑब्जेक्ट मान के आपको रिफ्लेक्शन दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग ट्यूब लेते हैं, हम लोग पहले ट्यूब इधर रखते हैं, ये देख सकते हैं इधर, सबसे पहले हम लोग ये देखिए, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर एक डिस्टेंस आपकी होगी, ये आपका सबसे पहला जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर ए, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर ए कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रखा ऑब्जेक्ट ए। सेकंड ट्यूब हम लोग लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट नंबर बी, ठीक, हम लोग इसको एक सीध में रखते हैं। अब आप यहाँ पर आके इधर से आप देख सकते हैं कि हमारी ट्यूब आ चुकी हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। हमने इंसिडेंट रे आपको दिखाने का प्रयत्न किया, ये देखिए इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, हमारे द्वारा डाली गई हुई लाइट, लाइट की जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इंसिडेंट रे, ठीक है। अब हम आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा दो ट्यूब हैं, एक्स्ट्रा नहीं मतलब इसका भी यूज़ है। तो अब आप देखिए हमारे दो ट्यूब, हमने ये भी ली, ठीक है, दो ट्यूब, एक ये एक ये। अब यहाँ पे आइए आप, अब हम लोग जो रिफ्लेक्शन हमारे इंसिडेंट पे गया है, अब वो कितने डिग्री पे शीशे पे आप इधर से देखिए, ये आप कितने पे आता है, देखिए आइए अब देखिए इधर से आप देखिए, ठीक है, यहाँ आप कैमरा रखिए इस पर फटी बैठ के देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक, ये जो हमने इंसिडेंट रे डाली थी इसमें, ये हमारे द्वारा डाली गई रे, अब लेकिन रिफ्लेक्टेड रे उसमें गई और किधर से निकली, किस एंगल पे निकली, अब हम लोग आपको वो बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने लिया, हम लोग उसको फिक्स करते हैं, जो रे अंदर से सीधी देखिए चली आ रही है, ये वाली रे अब देख सकते हैं, ये रे सीधी चली आ रही है, ठीक। इसको अब हम लोग उसको हम लोग ड्रॉ कर ले, रे सीधी आ रही है। अब हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का प्रयास करते हैं एकदम सीधे में, ठीक है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एकदम सीधे ही आए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इधर से आकर देख लीजिए, हम इधर दिखाते हैं आपको, हम लोग ऑब्जेक्ट को उल्टा रखते हैं इस साइड से, तो वो इमेज मोटी फॉर्म होगी जो सही रहेगा, ठीक। ये देखिए आप, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सीध में आ चुके हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट हमने रिप्लेस किया, आप कैमरे से देखिए जूम करके देख सकते हैं कि वो एकदम सीध में, वो ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट एकदम दोनों सीध में आ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी ऑब्जेक्ट को इसी सीध में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एकदम सीधे ही आए साइड में ना, ठीक। अब देखिए ये लाइन से दोनों ऑब्जेक्ट हमारे आ चुके हैं, इसको हम लोग आगे करके दिखाते हैं, छोटा है ना ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग आगे करते हैं जिससे कि दिखेगा, और ये बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक, ऊपर से आप देखिए, ये दोनों एक सीध में एक समान रूप से आ गए हैं, ठीक, दोनों हमारे ऑब्जेक्ट। अब ये हमारी क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है सीध में आए इसे क्या कहेंगे, अभी जो लाइन हमारी आई है ये सीधी आ चुकी है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड एंगल इसके बीच का 30 डिग्री ही बनेगा, जो यहाँ बना और वो वही चीज़ जो रिफ्लेक्टेड हुआ ना रे के अंदर जाके आई है, तो
तो 30 डिग्री हुई। अब हम लोग आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं जो रे हमारी आई है वापस, ठीक है। सबसे पहले हम स्केल लेंगे और मार्कर लेके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लाइए ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखिए जो रे गई और वही रे रिफ्लेक्ट होके आई मिरर के अंदर से, ठीक है। हम लोग फिर ऑब्जेक्ट प्रेस कर देते हैं यहाँ पर फटाक से, सीधी एकदम ऑब्जेक्ट एकदम सीधा आना चाहिए तभी हमारा ऑब्जर्वेशन सही कहलाएगा। हाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सही सीधा, सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला भी सीधा रखने का प्रयास किया, हम लोग सफल है, ठीक है। ये देखिए गया वही रे चलाया, ठीक है। अब हम लोग ने ये आपको दिखाया कि अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री ये था ना, 30 डिग्री लिखा था हमने, नापा था यहाँ से, आपको नाप कर दिखाया था। हम उस वाले साइड रखते हैं, इसको भी 30 डिग्री आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक, करेक्ट 30 डिग्री हमारा बन गया। हाँ ये देखिए प्रोजेक्टर से आपको भी नाप दिखाता हूँ, हम नापे नहीं थे इसको, ये इसको हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आया था इस 30 डिग्री करेक्ट पे आया था, ठीक है, एकदम करेक्ट 30 डिग्री आया, तो हमारा ऑब्जर्वेशन एकदम सही निकला जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि जैसे आप देख के आके देख लीजिए कि ये हमारे अभी भी एकदम सीधी में है, जैसे आप जाकर देख सकते हैं कि एकदम सीधे जैसा वो गया है, जैसा हमारा इंसिडेंट रह गई है वैसे ही रिफ्लेक्टेड वो आई भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आपको पहला हमारे ऑब्जेक्ट से ऑइंटमेंट वाले, अब हम लोग आपको दूसरे ऑइंटमेंट और दूसरे ऑब्जेक्ट से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको दूसरे ऑइंटमेंट लेके आते हैं, तब तक मिलते हैं आपको लाने के बाद। तो अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ जो है हमारी ईयर पिक्स। हमने 4 ईयर पिक ली थी जैसा कि आप देख सकते थे, यहाँ पर हमने 4 ट्यूब्स दी थी ना, ठीक है। अब इन 4 ट्यूब्स को हटाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ट्यूब्स नहीं हैं और आपके पास सिर्फ ये हमारी ईयर पिक्स हैं, तो हम लोग ने लिया था ये क्या इसे कहते हैं आटे का, आटे की गोलियां ले ली थी हम लोग ने, ठीक है। आटे की गोलियां आप किचन से आके ले लीजिए। तो हम लोग इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लगाए, इसको लग जाना चाहिए अच्छे से, प्लेस हो गई ना, हाँ ये। अब हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट नंबर बी लगाया, इसको हम लोग थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हम लोग अपने ईयर पिक्स ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे फिक्स करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम इधर से आपको दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, इसको प्लेस हो जाना चाहिए ना गिरे, हाँ ठीक है, हम लोग छुएंगे नहीं अब इसको, अभी और अच्छे से प्लेस हो चुकी है। हम लोग सेकंड नंबर के एयर पिक लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है, हो जाना चाहिए, हाँ ये एब्सोल्युटली एकदम अच्छे से फर्स्ट ट्राई में हो चुकी है ये, आप देख सकते हैं अच्छे से रूम करके ये हमारी एयर पिक्स लग चुकी हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आके। अब हम लोग जो हम लोग ने ऑइंटमेंट के साथ किया था कि उसी एंगल पे गए थे और उसी एंगल पे लौटे थे, वो एंगल क्या था, डिग्री का एंगल था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास इसको हम लोग फिर दिखाने का, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने फिर से रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम लोग ने 2 पिक्स ले ली है। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर फिर से, ठीक है, इसको प्लेस करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग इसको फिर से एक बार लगाएंगे, बैठ के लगाएंगे तो अच्छे से फिक्स होगी। इसको हम लोग एक बार पॉइंट पालें, जिसका बिंदु होता है इसको हम लोग पालें ना, तो वहाँ पर हम लोग तुरंत इसको फिक्स कर देंगे। हमें जैसे कि मिल चुका है पहला पॉइंट इसका, ठीक है, रिफ्लेक्टेड के लिए पहला पॉइंट मिल गया। आप इधर से आगे देख सकते हैं पहला पॉइंट हमारा एकदम ईजिली लग चुका है। अब हम लोग को मिल गया है तो हम लोग बिना देरी के इसको चिपका लेते हैं, वरना हम लोग का पॉइंट फिर मिस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उसको यहीं रखते हैं, ठीक है, हमारा पॉइंट ये है, तो हम लोग उसको गोला करके हल्का सा वाटर लग इसको प्लेस कर देते हैं। ये था ना पॉइंट हमारा, हाँ, एज यू हैव सीन देयर हमने पॉइंट प्लेस करा तो हो नहीं रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लग गया है, हम लोग उसको लगा देते हैं इसके अंदर, ये इजी। देखिए हाँ पहला बहुत अच्छे से प्लेस हो, बहुत बढ़िया। हम अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एज यू हैव सीन दैट हम लोग सेकंड लेने का प्रयास करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम लोग ने पॉइंट पा लिया है, ठीक। हम लोग थोड़ा सा लगाने का प्रयास करते हैं अगेन, ये देखिए हाथ मिलना चिपके, ठीक है, इसको हम लोग दबा देते हैं, आप इसको प्रेस करेंगे तो अच्छे से लग सकता है ये, इसका पॉइंट हम लोग ले लिए थे ना,
हाँ ये हम लोग ने कर दिया पिन। अरे बहुत अच्छे से लगा है, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट, आप जैसा आके देख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए एकदम नंबर वन पॉइंट लगा हमारा। थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग पिन को एडजस्ट कर देते हैं इधर वाली, तो उधर जो आपका आएगा ना सीध में आएगा वो, तो अच्छा रहेगा, देख सकते हैं आप जैसे भी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सफलतापूर्वक हम लोग ने ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग ने पा लिया है, हम लोग ने अपने पॉइंट्स एकदम अच्छे से लगाए हैं। अब जैसा कि आपने देखा था इंसिडेंट रे को हम लोग ने आई से दर्शित किया था, देखिए यहाँ पर आई लिखा है, और यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को आर से दर्शित करेंगे। लेकिन कैसे आर से, अगर आपने कैपिटल से लिखा तो आपके वहाँ पर मार्क्स तुरंत कट हो जाएंगे, आप यहाँ पर इसमें स्मॉल आर से लिखेंगे। जैसे कि लिख सकते हैं ये हम लोग ने लिया ये, ठीक है, स्मॉल आर है वो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्फ्यूजन क्या निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है, आप दिखाइए वहाँ पर, कि हमारे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है, 100% एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, इज इक्वल टू एकदम जिस प्लेन में गया उस प्लेन में वापस आया, ये बात हमारी एकदम सिद्ध है। हम लोग आपको सेकंड पॉइंट दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल, इसे हम लोग 90 डिग्री नॉर्मल कहते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है। तो ये सिर्फ एक प्लेन में फॉर्म होती है, जैसा समतल है जिसपे बना है इंसिडेंट रे गई है उस पे ही नॉर्मल आएगा, उसी पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे आएगा। तो इस बात से हमारा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विथ प्लेन मिरर, ये बात हमारी सच होती है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।